कि ये खून गिरता है, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं बात करूंगा इस घटना के दर्ज है। मैं बात करूंगा सर, आपने ये जो आज विश्व आदिवासी मार्टिन दिवस का आपने कार्यक्रम रखा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे विश्व आदिवासी दिवस में हमारा जो है कि ये अतिथि लोग आए हुए हैं और हम लोग मनाते आए हैं और ये मनाते रहेंगे। ये हमारे अतिथि लोग भी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि हमारे प्रमुख मैडम भी उपस्थित हैं, क्योंकि हम लोग, ये मेरा सबों का दिवस है और आदिवासी विश्व दिवस से हर हालत से हम लोग मनाते आए हैं। जिस तरह से जो है जितना हर्ष और उल्लास के साथ मनाते थे, लेकिन इस बार जो मणिपुर की घटना है, जिस वजह से जो है कि इनको कहीं ना कहीं तकलीफ और ठेस पहुंचा है, ये झारखंड जो कि आदिवासी जनजातीय राज्य है, लेकिन आज देखिए जिस तरह से ये मना रहे थे, पहले जो हर्ष उल्लास के साथ, लेकिन इस बार जो है कि काफी मतलब मना रहे हैं, लेकिन उतना खुशी नहीं है कि आखिर ये आदिवासी के साथ क्यों होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो हमारे रुचिर कुमार तिवारी सर जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर ये बताइए, जो ये घटना हुआ है, आखिर आदिवासी के साथ आखिर क्यों होता है? देखिए, यह घटना बहुत ही मर्माहत कर देने वाली घटना, सभ्य समाज में जिस तरह से जो घटना घटा है यह नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी वहाँ पर हिंसा जारी है। लेकिन सरकार जो ऐसे क्या कर रही है, चैन की नींद सोई हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने नया कमेटी का गठन किया है और जो आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ नया कमेटी का गठन किया। आखिर सर मैं पूछना चाहूँगा एक चीज, आखिर किसके सरकार में जो है कि आदिवासी सुरक्षित रहेंगे? सरकार आती जाती रहती है, सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन अभी जिस जो सरकार वर्तमान में रहती है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यह घटना दुनिया को झकझोर देने वाली है, जो मणिपुर की घटना है। आज जो सरकार वहाँ है उसका जिम्मेवार उसको लेना चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, और अभी तक इस्तीफा देना चाहिए उसको, लेकिन अभी भी बैठे हुए हैं। कई एक जैसे थाना को लूट लिया गया, आदिवासी माँ बहने खाना बदोश की जिंदगी, जंगलों में रह रहे हैं हम लोग, कई एक कैंप में रह रहे हैं, कैसी व्यवस्था है? उस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग को भी आवाज उठानी चाहिए, आदिवासी समाज के हरेक व्यक्तियों को आवाज उठाना चाहिए, यही हम। आखिर सर ये आवाज उठा करके हम किसके पास सुना है? सरकार तो सुन नहीं रही है। आखिर अभी तक जो है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, इतना नारेबाजी, इतना जुलूस, सारा चीज हुआ, लेकिन जो है कि अभी तक जो है कि वहाँ की सरकार को जो है कि ना हटाया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है, ना कुछ जो आदिवासी को, लोग आदिवासी के विषय में कुछ बताया जा रहा है, आखिर इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी निश्चित रूप से, अभी हमने पहले भी कहा कि सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। न्याय व्यवस्था मरी नहीं है, न्याय व्यवस्था जीवित है और उसी न्याय व्यवस्था पर हमको भरोसा है और उस पर हम उम्मीद लगाए हुए हैं। अगर न्याय व्यवस्था नहीं रहेगी तब तो फिर मामला ही रफा दफा हो जाएगा, तब तो फिर आदिवासी को तीर कमान उठाना होगा। पहले जो उठाया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए, आज दुष्टों से लड़ने के लिए उनको तीर कमान उठाना होगा। बिना उठाए काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा समय नहीं अगर आया, नहीं कानून व्यवस्था रहेगी, तब तो हम भी अपील करेंगे, हम भी आदिवासी भाई माताओं बहनों के साथ हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर साथ चलने को तैयार हैं। अगर तीर कमान ही उठाना पड़े तो उठाने के लिए हम भी तैयार हैं। आखिर देखिए, जिस तरह से जो है कि संविधान में जो है कि CNTA 1908 में जो है कि अलग कानून बना दिया गया आदिवासी के लिए, लेकिन जो है कि फिर भी जो है कि आदिवासी आज भी 2023 में जो है कि सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, इस तरह की घटना हो रहा है, इतना कानून होने के बाद भी। हमारे पूर्व जिला परिषद जी हैं, सर ये बताइए कि इतना सब कुछ कानून बनने के बाद भी जो है कि क्यों ऐसा हो रहा है? कि आज जो मणिपुर की घटना है उसको निंदीय ही है, निंदा करते हैं। ऐसा घटना आदिवासियों के साथ या गैर आदिवासियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार को निश्चित रूप से जो गलत किया है उसको कानून के हवाले करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो सरकार का गलत है। इस पर गलत करने वाला को किसी प्रकार का माफ़ करने की आवश्यकता नहीं है,
सरकार से भी रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे कि निश्चित रूप से जो गलत किया है उसको सजाए मिलना चाहिए। जी जी, देखिए इतना सब कुछ होने के बाद, कानून होने के बाद, और जो है कि फिर भी जो है कि ये घटना घटती है, आज आदिवासी दिवस है, लेकिन एक तरफ से खुशियां और यहाँ खुशी का दिवस था, लेकिन जो है कि आज जो है कि कभी कहीं ना कहीं उस घटना को लेकर के जो है कि आँखें नम होती है। हमारे भी जो है कि मेदिनी नगर से जो प्रमुख हैं पंचायत समिति का, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम ये बताइए कि सबसे पहले की जो घटना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आदिवासी लोगों को? मैं सभी को मैं प्यार करती हूं आज इस आदिवासी दिवस पर, कामना करती हूं आज इस आदिवासी दिवस पर हम लोग आज इस आदिवासी उल्लास के साथ में मना रहे हैं। एक घटना मणिपुर का है जो हमारे पूरे झारखंड के आदिवासी अपमानित किया गया है। हमारे आदिवासी को कहीं न कहीं हमारे सरकार द्वारा ध्यान नहीं दे रही है, जो हमारे वह जो हमारे लिए जो बलिदान दिए थे कि हमारे समाज ऊपर उठेंगे, विकास की ओर जाएंगे, लेकिन अभी जो सरकार है उस चीज़ को हम लोग को दबाया जा रहा है। तो मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि जो हमारे पूर्वज जो हमारे लिए जो बलिदान दिए, देश को आज़ाद किए, चूँकि हमारे पूर्वज और हमारे आदिवासी समाज जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ हमारे आदिवासियों को रक्षा दे और जो सुविधा जो संविधान के माध्यम से मिला है वो मिले, और संविधान द्वारा जो हम लोग को सुविधा मिली है कि जो हमारे आदिवासी लोग आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि संविधान द्वारा जो लिखा गया है उसको लागू करें, ताकि हमारे आदिवासी समाज आगे बढ़े और विकास की ओर जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं जैसे कि हमारे बीच छोटे छोटे बच्चियाँ जो है कि नृत्य कला करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी घटना है जो कि बच्चे लोग जो उनको भी मन में कहीं ना कहीं लगा होगा, ये इतिहास के पन्ना में इंगित होगा कि हाँ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था, लेकिन उससे हाल ही में जो घटना हुआ, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। और मैं जानना चाहूँगा किस स्कूल पर, देखिए तो क्या लगता है जो आदिवासी जो महादिवस जो मनाया जा रहा है, विश्व जो आदिवासी दिवस, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस तरह से जो आदिवासी का कहीं ना कहीं जो है ना कि देखने के लगता है ना कि सीधापन, जिसका फायदा जो है कि पूरे भारत में उठाया जाता है, हर जगह पे जो है कि केवल और केवल